दो बार ये नुस्खा लगा लो। सर पर जमा पपड़ी, रूसी और गंदगी को बिल्कुल निकाल कर सर पर नए बाल उगाने में मदद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्कैल्प डिटॉक्स रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके स्कैल्प की रूसी पपड़ी और गंदगी को निकाल देगा। अगर आपके स्कैल्प पर सीबम जमा है तो उसको भी बिल्कुल क्लीन कर देगा। गाइज, अगर आप अपने स्कैल्प की क्लीनिंग पर ध्यान देते हैं, आपके स्कैल्प क्लीन होते हैं तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वह खुले हुए होते हैं। इससे जो आपके बाल झड़ गए हैं वह वापस आने में मदद मिलती है। बाल जड़ों से मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पोषण मिलता है और बाल हेल्दी और लॉन्ग भी होते हैं करेगा। सो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो फ्रेंड, इस डिटॉक्स रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, बालों को लंबा घना करने का काम करता है, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच की मात्रा में जैतून का तेल लूँगी। जैतून के तेल में फ्रेंड विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जैतून का तेल। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो 2 चम्मच की मात्रा में फ्रेंड हमने जैतून का तेल ले लिया है। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर लेंगे शहद। शहद हमारे बालों में चमक भर देता है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करता है, हमारे स्कैल्प को और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारे बालों और स्कैल्प की जो ड्राइनेस होती है वो दूर होती है। क्योंकि ड्राइनेस होने से कई बार हमारे स्कैल्प पर पपड़ी पड़ जाती है तो ये उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर 1 चम्मच की मात्रा में शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज फ्रेंड हम यहाँ पर लेंगे 1/2 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर। दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर हमारे स्कैल्प को डिटॉक्स करने का यानी कि क्लीन करने का बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे स्कैल्प पर एक अच्छे स्क्रबर का काम करता है। इसके यूज़ से हमारे स्कैल्प पर जो भी पपड़ी, डेड सेल्स और जो भी सीबम हमारे हेयर फॉलिकल्स में जमा होते हैं वह सब बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। जो भी मैल गंदगी होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, हमारे स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन कर देता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वह खुल जाते हैं, जिससे उनको पूरा पोषण मिलता है और वहाँ से नए बाल आने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है और बालों की ग्रोथ भी होती है। तो 1/2 चम्मच की मात्रा में हम यहाँ पर सिनेमन पाउडर ले लेंगे यानी दालचीनी का पाउडर ले लेंगे। फ्रेंड सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये नुस्खा फ्रेंड हमारा बनकर तैयार है। चलिए जान लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। फ्रेंड इस नुस्खे को आपको अपने स्कैल्प पर शैम्पू से 20 मिनट पहले यूज करना है। स्कैल्प पर इसको लगाकर हल्के हल्के हाथों से 10 मिनट तक लगभग आपको स्क्रब करना है इससे, ताकि आपके स्कैल्प पर जो भी डैंड्रफ हो, डेड सेल्स हो, वहीं निकल जाएँ, जो भी मैल गंदगी हो आपके स्कैल्प से निकल जाए। आप इसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक भी हल्के हल्के हाथों से स्क्रब कर सकते हो। अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप यहाँ पर सिनेमन पाउडर या चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करके आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। फ्रेंड आप इसको महीने में 2 बार ज़रूर यूज़ करें, आप देखेंगे आपके स्कैल्प हमेशा नीट एंड क्लीन रहेंगे। आपके सर पे जो डैंड्रफ और पपड़ी की समस्या होती है वो नहीं होगी। इचिनेस की प्रॉब्लम अगर होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा तो ही आपके बालों की जो जड़ें हैं यानी कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको पूरा पोषण मिल पाएगा और तभी आपके बाल बहुत हेल्दी और लॉन्ग होंगे और बाल जड़ों से मजबूत भी होंगे। अगर आपके स्कैल्प बंद हो जाते हैं तो आपके स्कैल्प की जो यानी कि आपके जो बालों की जड़ें हैं वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर मर जाती हैं और वहाँ से नए बाल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने स्कैल्प की क्लीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप इसको महीने में 2 बार जरूरी यूज़ करें और अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, जल्दी जल्दी से गंदे होते हैं, तो आप इसको वीक में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड आपके स्कैल्प को ये नीट क्लीन करने में मदद करेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।